पूरी ये पूरे देश के श्रद्धा केंद्र है। पूरी का रत्न भंडार भी ये संभाल नहीं पाए। हम उड़ीसा की जनता को वादा करते हैं, पूरी को हम देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकास कर महाप्रभु जगन्नाथ के सभी श्रद्धा रखने वाले भारतवासियों को और विदेश में भी रहते हिंदुओं के लिए एक उत्कृष्ट स्थान पुरी को बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। पुजारी बंधु योजना के तहत देश उड़ीसा भर के सभी पुजारियों को प्रतिमा 1,000 रुपये का आर्थिक शासन देने का हम प्रधानमंत्री की जन जन सुनवाई के दृष्टिकोण को अपनाते हुए ओडिशा के नए मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे वो भी हर बुधवार को 2 घंटा वैज्ञानिक तरीके से ओडिशा भर के सभी लोगों की सुनवाई का कार्यक्रम करेंगे, जिसका निस्तारण सिर्फ 30 दिन के अंदर हम समाप्त करेंगे। चीट फंड के घोटाले करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हम पूरा सुनिश्चित करेंगे कि सभी के सभी जेल के अंदर जाए। ये चीट फंड जो 5,000 करोड़ से ज्यादा उड़ीसा की गरीब जनता का पेट काट कर जमा किया हुआ पैसा खाने वाले लोग हैं, उनको हम जेल की सलाखों के पीछे ले जाएंगे। और अवैध खनन के लिए भी जितने भी घोटाले हुए हैं इसके अभियुक्तों को इस प्रकार का कठोर दंड लेंगे कि आने वाले दशकों तक अवैध खनन करने की कोई हिम्मत न करे। इस दिशा में हम आगे जाएंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि 3 और 4 ग्रेड की नौकरियों भरने के लिए इंटरव्यू को समाप्त कर भ्रष्टाचार विहीन भर्ती की शुरुआत उड़ीसा को अंदर करेंगे। मित्रों, ये दृष्टि पत्र, ये संकल्प पत्र मैंने जिसके मुख्य बिंदु ही आपके सामने रखे हैं, ये नए उड़ीसा के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मोदी जी के नेतृत्व में नई उड़ीसा की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये 5 ही साल में देश में उड़ीसा को एक मॉडल स्टेट बनाकर देश की जनता के सामने रखेगी और सभी संभावनाओं को एक्सप्लोर करते हुए, सभी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हुए हम उड़ीसा को एक विकसित, संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।